अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में ग्रीन चिकन मसाला। बहुत ही टेस्टी बनती है चिकन। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 800 ग्राम मैंने चिकन ली है, मसाले चाहिएंगे इसमें, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, आधी प्याली दही है, ये 1 लेमन का जूस है, ये मैंने इसको निकाल लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ग्रीन चिकन है तो इसके लिए मुझे ये पेस्ट बनाना है इसका। आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, 7 बड़ी वाली ये हरी मिर्चें हैं और 3 छोटी छोटी ये प्याज है, मैंने इनको मोटा मोटा कट कर लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी इन तीनों चीज़ों का। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये ग्रीन पेस्ट मैंने बना लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, तीनों चीज़ों को, प्याज को, हरी मिर्चों को और हरे धनिया को, ये ग्रीन पेस्ट बना लिया मैंने। अच्छा, ये कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और अब इसमें पहले मैं चिकन फ्राई करूँगी। कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। अच्छा, ये चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें ये ग्रीन मसाला डाल के मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, ये ग्रीन मसाला मैं थोड़ा थोड़ा डाल के भूनूंगी इसको। अब ये बाकी मसाला भी डाल दूंगी इसमें। अच्छा, ये ग्रीन मसाला मैंने डाला है, इसको मिक्स करने के बाद, हल्का सा भूनने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि चिकन भी गल जाए और इसमें मसाले में, इसमें चिकन में फ्लेवर भी आ जाए ग्रीन मसाले का। 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आँच पे कवर करके रख रही हूँ और मसाले जो है मैं बाद में डालूंगी, अभी डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए, इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे। इसका ऑयल भी निकल आया है। चिकन भी गल गई है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये मसाले डाल दिए इसमें, मसाले मैं आखिर में डालती हूँ इसमें,
चिकन जब गल जाती है, क्योंकि पहले से डाल दो तो काली शक्ल हो जाती है इसकी मसाले डालने के बाद। थोड़ी फ्राई करूंगी मैं मसाले डालने के बाद, ताकि अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए मसालों का चिकन के अंदर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल के मैं इसको भूनूंगी। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और मसाला इसका थोड़ा भुना भुना होता है। अच्छा, अब ये मेथी डाल ली है इसमें। और ये लेमन जूस, इसका ऑयल भी अच्छी तरह निकला है और इसको मैंने भुनाई कर ली अच्छी तरह। अच्छा, इसको हल्की आंच पे मैं 2-3 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, ताकि अच्छे से फ्लेवर सारे मसालों के चिकन के अंदर शामिल हो जाएं। 2-3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे। अच्छा, 2-3 मिनट हो गए इसको मैंने कवर कर दिया था, और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी सी चिकन तैयार हो गई है और ऑयल भी निकला है। अब इसमें स्मोक दूंगी मैं। ये कोयला मैंने जलाने के लिए रख दिया था ऑयल डाल के, और मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर कर, और फिर इसके बाद मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, चिकन तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। ग्रीन मसाला जो मैंने फ्रेश इसमें डाला है पीस के, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है ज़बरदस्त। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चिकन मसाला। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़र कुक दिखाती हूँ आपको।